पौड़ी जिले के अधिकतर महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का परचम लहराने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ऐसे में एनएसयूआई जीत का जश्न सड़कों पर वजह जुलूस निकालकर मना रही है और इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। दरअसल राजकीय महाविद्यालय सतपुली में एनएसयूआई के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते। वहीं जय हरिखाल खमेश्वर के भी एनएसयूआई का दबदबा वहां पर रहा। कोटद्वार के पीताम्बर दत्त बड़थवाल राजकीय महाविद्यालय में भी एनएसयूआई का ही दबदबा रहा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि एनएसयूआई छात्र हित में कार्य करती आई है, इसलिए एनएसयूआई पर छात्रों ने भरोसा जताया है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष के घोष अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ है मेरा। मैं हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो कॉलेज में और छात्र जो अपनी परेशानियां हमें बताएंगे और कॉलेज में जो परेशानी है जैसे टीचरों की परेशानी, जैसे कोई भवन बनाना हो तो हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे और हम अपने जो हमारे पीछे अब आएंगे उनको भी हम प्रथम मैं अपने तीनों ही कैंडिडेट का हमारे छोटे भाई बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि वो जीत के आए हैं और निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है। एबीपी को एक्चुअल में यहाँ क्या है कि कई वर्षों से यहाँ एनएसयूआई कार्यरत है। एनएसयूआई काफ़ी समय से यहाँ पे छात्र हितों में कार्य कर रही है और छात्र हितों में हर चीज़ वो अपना पूरा योगदान दे रही है, इसी कारण यहाँ एबीपी को कोई यहाँ पहचान भी नहीं पा रहा है। बुढ़ाकोटी मैं राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने कॉलेज की हर समस्या को समाधान कर सकूं। यहाँ कॉलेज में कोई लैब की समस्या है, टीचरों की समस्या, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको हल कर सकूं। राजकीय महाविद्यालय सतपुली से यूआर के पद के लिए चयन किया गया है और जो भी कार्य होगा हम पहले बच्चों की सुनेंगे फिर उसके बाद लेंगे कोई भी कदम। पहले यहाँ सबसे पहले हम